नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो है हमारी गांव की देवी श्री भगवती चिंबलकरीन, इनके ऊपर। आज हमारे गांव में, इन दिनों फिजिकली हमारे गांव में देवी भगवती चिंबलकरीन की पालकी आई है, उनकी मूर्ति आती है और सारे लोग पूजा करते हैं मंदिरों में। जहाँ भी ये पालकी जाती हैं वहाँ पर पूजा होती है। और इन दिनों माहौल आप कह सकते हो जैसे कि फेस्टिवल रहता है वैसा रहता है। और दरअसल बात यह है कि देवी भगवती चिंबलकरीन इस गांव की, चिंबल गांव की मेन देवी हैं। और पर उनका मेन मंदिर यहां से बहुत दूर दूसरे गांव में है, मार्सेल इस गांव में है। और हर साल आप कह सकते हो अप्रैल महीने में ऐसे देवी भगवती चिंबलकरीन की पालखी मूर्ति यहां आती है हमारे गांव में। दोस्तों आप सोचते रहोगे कि देवी चिंबलकरीन जो इस गांव की हैं उनका मेन मंदिर मार्सेल में क्यों है, ऐसा आप सोचते रहोगे। दरअसल बात यह है कि सैकड़ों साल पहले जब पुर्तगीज लोगों ने गोवा पे आक्रमण किया था तब उन्होंने मंदिर तोड़े थे, कन्वर्जन किया था। और उसी वजह से बहुत सारे गोवा के टेंपल तोड़े गए थे। उसी कारण लोगों ने तब अपने सब देवताओं की मूर्तियाँ दूसरे गांव में शिफ्ट की थी और वहां पे उन्होंने टेंपल बनाए थे। और उसी तरह हमारे गांव के भी पूर्वजों ने देवी भगवती चिंबलकरीन की मूर्ति दूसरे गांव में मार्सेल में ले जाके वहां पे मंदिर बनाया था। अब हर साल देवी की पालकी हमारे गांव में आती है और बहुत सारे मंदिरों में जाती है। जहाँ भी गांव में मंदिर है वहाँ पे पालकी जाती है देवी की, देवी भगवती चिंबलकरीन की, और वहाँ पे लोग पूजा करते हैं, दर्शन लेते हैं। और आज हमारे हमारे मंदिर में, हनुमान मंदिर में, किल्लवाड़ा चिंबल में देवी की पालकी आई है। लोग बहुत सारे आए हैं देवी का दर्शन लेने, आप देख सकते हो। और गांव के बहुत सारी बेटियां जो शादी करके दूसरे गांव में जाती हैं वो भी यहां पालकी का दर्शन लेने आते हैं, सब आते हैं, आप देख सकते हो। और फिर बाद में दोस्तों, बाद में कुछ दिनों बाद देवी की पालकी फिर से मार्सेल गांव में जाती है। अब हमारी पालकी भगवती देवी चिंबलकरीन की पालकी अभी वापस जा रही है मार्सेल। पालकी वापस जा रही है मार्सेल। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।